नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज 86वें भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि 86th इंडियन एयरफोर्स डे पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और इंडियन एयरफोर्स के सभी वीर भाइयों और वीरांगना बहनों को शत-शत नमन करता हूं। अपनी जान जोखिम में डालकर हमें आसमान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हम चैन की जिंदगी जी सके, हम चैन की नींद सो सके, इसलिए रातों को जागने के लिए, मुश्किल जिंदगी चुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स से जुड़े वो 5 फैक्ट्स जिनको सुनकर आपकी छाती गर्व से फूल उठेगी और सिर ऊंचा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर आप जो भी कमेंट करें, जैसा भी कमेंट करें, अपने कमेंट में #IAFDay जरूर लिख दें। ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश एम्पायर की सहायक एयरफोर्स के रूप में ब्रिटिश इंडिया द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, विशेषकर बर्मा और साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज में इंडियन एयरफोर्स ने जापानियों को काफी परेशान किया था और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया था। इंडियन एयरफोर्स के शौर्य से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1945 में इंडियन एयरफोर्स के आगे रॉयल भी लगा दिया था और इसका नाम हो गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। 1947 में देश को आजादी मिली और 1950 में हम रिपब्लिक डिक्लेयर हो गए और इसके नाम के आगे से रॉयल हटा दिया गया। तब से हमें हवाई कवच प्रदान करने वाली इस सेना को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है और हर साल 8 अक्टूबर को देश के अलग अलग एयरबेसिस पर इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने IAF के वो 5 फैक्ट्स जिनको सुनकर आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। नंबर 1 फैक्ट है इंडियन एयरफोर्स का ताजिकिस्तान की धरती पर अपना खुद का एयरबेस होना। ताजिकिस्तान के फरकोर में स्थित इंडियन एयरफोर्स का फरकोर एयरबेस भारत का विदेशी धरती पर पहला और एकमात्र एक्टिव एयरबेस है। पाकिस्तान द्वारा इंडियन ओवरफ्लाइट्स को बैन कर दिए जाने के बाद मई 2002 में इंडियन एयरफोर्स ने कजाकिस्तान के फरकोर में अपना एयरबेस बनाया और इसका उपयोग भारत द्वारा अफगानिस्तान में जो राहत और रिकंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है उसको प्रगति प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा फैक्ट है इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स लगभग 2200 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चाइना और रशिया से पीछे है, जो कि इसको दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स बनाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 700 फाइटर जेट्स हैं, 809 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, 857 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 318 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 646 हेलीकॉप्टर्स और 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तीसरा फैक्ट है लोगों को रेस्क्यू करने में इंडियन एयरफोर्स के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा और इस भीषण बाढ़ की वजह से काफी सारे तीर्थ यात्री और वहां के लोकल लोग भी ऊंचे इलाकों पर फंस गए थे। ऐसे में एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स को याद किया गया और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया, जो कि एविएशन रेस्क्यू की दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 4,00,000 किलोग्राम रिलीफ मटेरियल और इक्विपमेंट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्रॉप किया और जहां सामग्री को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था वहां पर लैंड करके सामग्री सप्लाई की गई। चौथा फैक्ट है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को परमवीर चक्र मिलना। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स के एक ब्रेव हार्ट ऑफिसर थे, जिनको 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी अद्वितीय वीरता और शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। निर्मलजीत सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से परमवीर चक्र पाने वाले आज तक के एकमात्र ऑफिसर है। 1971 में निर्मलजीत सिंह जी नंबर 18 स्क्वाड्रन में सर्व कर रहे थे, जिसको कि द फ्लाइंग बुलेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। उनकी पोस्टिंग थी श्रीनगर में और वो फैलन ग्रांट एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स ने अटैक कर दिया, बमबारी करनी शुरू कर दी। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, निर्मलजीत सिंह जी ने 2 जेट्स की फॉर्मेशन में नंबर 2 की हैसियत से उड़ान भर दी। इस फॉर्मेशन में उनको लीड कर रहा था फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन का फाइटर जेट, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन के प्लेन में विजुअल्स डिसेबल हो गए और इस वजह से पाकिस्तानियों को जवाब देने की सारी जिम्मेदारी निर्मलजीत सिंह जी के ऊपर आ गिरी। लेकिन दोस्तों, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदरा तो मैं शेर बनावा, 1,25,000 से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा, इसका मतलब निर्मलजीत सिंह जी अकेले ही पाकिस्तानियों को समझाने वाले थे। निर्मलजीत सिंह जी ने एक पाकिस्तानी सेबर जेट को तो मार गिराया और एक और सेबर जेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, डैमेज कर दिया और वो उल्टे पांव पाकिस्तान की तरफ भाग गया।
अपने प्लेन पे पाकिस्तानियों द्वारा हिट लेने के बाद उनको ऑर्डर मिला कि वो तुरंत बेस पर लौट जाए, लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को इग्नोर किया और आसमान में थोड़ी और देर पाकिस्तानियों को खदेड़ने का काम जारी रखा। पाकिस्तानियों को खदेड़ने के बाद वो बेस की तरफ लौटने लगे। थोड़ी देर तो उनका प्लेन सीधा उड़ता रहा, लेकिन तभी उनका कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और उनका प्लेन नोजडाइव पोजीशन में नीचे की तरफ क्रैश होने लगा। उन्होंने लास्ट मिनट इजेक्शन भी ट्राई किया, लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाने की वजह से उसमें वो विफल हो गए। उनके प्लेन का मलबा श्रीनगर एयरबेस से थोड़ी दूर सड़क पर पड़ा हुआ मिला और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के काफी प्रयत्नों के बावजूद भी उनका पार्थिव शरीर हमको नहीं मिल पाया। आइए दोस्तों मिलकर सल्यूट करें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह जैसे इंडियन एयरफोर्स के बहादुर ऑफिसर्स को। पांचवा IAF का प्राउड टू बी फैक्ट है गरुड़ कमांडो फोर्स। IAF की स्पेशल फोर्सेज यूनिट गरुड़ की स्थापना 2004 में की गई थी। 2000 कमांडोज वाली स्पेशल फोर्सेज यूनिट का ट्रेनिंग पीरियड हिंदुस्तान की किसी और स्पेशल फोर्सेज यूनिट से कहीं ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा है। गरुड़ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के बेसिस और इंस्टॉलेशंस को सुरक्षा प्रदान करना, देश के अंदर और बाहर युद्ध और शांति के समय में सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस कंडक्ट करना, और तीसरा प्राकृतिक त्रासदी के समय में रिलीफ और रेस्क्यू मिशंस कंडक्ट करना। जब बात आती है रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशंस की तो गरुड़ भारत सरकार ही नहीं यूनाइटेड नेशंस की भी पहली पसंद मानी जाती है, और करंटली गरुड़ के कमांडोस कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत डिप्लॉयड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट करते वक्त #IAFDay जरूर लिखिए। जय मां भारती, जय हिंद।